नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला प्रावी IVF मेडिकल सेंटर में एम्ब्रॉयलॉजिस्ट हूँ। अभी हम लोग आजकल IUI सीरीज़ की बात कर रहे हैं। बैक टू बैक आपको IUI के वीडियोस हमारे मिल रहे होंगे और काफ़ी अच्छे व्यूज़ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप ये दिए हुए डिस्प्ले हुए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि कई लोग के दिमाग में रहता है, IUI का खर्चा कितना आता है, कितने पैसे में मेरा कम से कम में IUI हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का स्पर्म तो कम है, क्या मैं इसमें भी IUI के लिए जा सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बड़े कॉमन हैं सोसाइटी में। बट सबसे कॉमन क्वेश्चन अपने सोसाइटी में है कि IUI का खर्चा कितना आएगा। तो आज के वीडियो में मैं खाली उसी बारे में बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए कि IUI में जो खर्चा आ रहा है वो क्यों आ रहा है और लगभग लगभग कितना आता है। देखिए, ऐसा होता है कि IUI मैंने बताया, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, उन लोगों के लिए है जिनकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, जिनके एग्स प्रॉपर या थोड़ी मदद के साथ में बन जाते हैं, जिनका सीमेन काउंट WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ठीक है, मतलब मोर देन 15 मिलियन के आसपास है। आइडियली इंडियन सिनेरियो में देखें 30-40-50 मिलियन है, तो ऑफकोर्स हम सीमेन प्रोसेसिंग के बाद में IUI का प्रोसीजर प्लान कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको सारे खर्चे के तरीके बता दिए कि इसमें क्या क्या होना है। क्या मैंने पहले सबसे कहा कि इसकी क्या ट्यूब खुली हुई है। अगर हम HSG कराते हैं अपने इंडियन सोसाइटी में 2,000-3,000 रुपये में HSG हो जाता है, डिस्ट्रोसेल्फेंगोग्राफी, तो 2,000-3,000 रुपये उसका खर्चा हो सकता है। अगर हम स्कैन करते हैं तो पूरी की पूरी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग 1,500-2,000 रुपये तक में हो जाती है, जिसमें हम लोग 4-5 अल्ट्रासाउंड, फॉलिकल्स का ग्रोथ पैटर्न ये चेक कर सकते हैं, कब फॉलिकल रप्चर कर रहा है ये बता सकते हैं, कब IUI प्लान करना है ये बता सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट हेल्दी है और उसको हमको ओरल टैबलेट से ही स्टिमुलेट करना पड़ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 4-5,000 रुपये की मेडिसिन उसकी हो सकती हैं। ओरल टैबलेट्स में और सस्ता भी हो सकता है, बट अंदाज़ा मान के चलो इनकेस अगर एक दो ब्लड के टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं तो 4,000-5,000 से ज़्यादा का एक खर्चा नहीं है, जिसमें आपके 10-12 दिन स्टिमुलेशन के भी निकल जाएंगे। फिर हमारा आता है प्रोसीजर वाला डे। प्रोसीजर वाले डे में जब हम लोग सीमेन हस्बैंड का कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद कभी कभी अल्ट्रासाउंड की मशीन की मदद से, कभी कभी ब्लाइंडली यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, तो डिपेंड्स, उसमें भी 4-5,000 रुपये के आसपास खर्च आता है और जो गायनेकोलॉजिस्ट की फीस होती है वो आता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 10-12,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा इस पर नहीं होना चाहिए, अगर हम लोग ओरली स्टिमुलेट कर रहे हैं, टैबलेट से ही एग अच्छे बना ले रहे हैं, सीमन प्रिपरेशन नॉर्मल डबल डेंसिफिकेशन से किया है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड मदद से हम लोग इंसेमिनेशन कर रहे हैं और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वगैरह का खर्चा इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो लगभग लगभग इतना ही खर्चा रहता है, 10-12,000 के आसपास। इन सम केसेस जहाँ पर हम लोग ओरली अच्छी तरह से इंडक्शन ओवुलेशन इंडक्शन नहीं हो पा रहा है ओरल टैबलेट से, बहुत सारी टैबलेट यूज़ करते हैं बीइंग एम्ब्रॉयलॉजिस्ट, मेरा उन टैबलेट्स का नाम लेना ठीक नहीं है, बट आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट होगा तो आपको बता देगा। इन दैट केस समटाइम कभी कभी क्या होता है, हम लोग को इंजेक्शन गोनाडोट्रॉपिन यूज़ करने होते हैं, उसमें खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोर ऑर लेस मैंने कवर कर लिया कि IUI में खर्चा कितना आता है। और सेकंड जो क्वेश्चन है कि हस्बैंड का सीमेन काउंट कम है या थोड़ी बहुत एक तरफ ब्लॉकेज है, क्या हम IUI करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।